मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला। दीन स्पीचेस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्राम, हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं की लड़ाइयाँ बरसों से चली आ रही है। हिंदू लोग मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को गलत समझते हैं, लेकिन इनमें अक्सर ऐसे लोग भी हैं जो कि ये समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक ही है, बस ये सिर्फ नाम से अलग अलग हो जाते हैं, यानी इनके अकायद एक जैसे हैं। जिस तरह नाना पटेकर ने इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की है कि हिंदू और मुसलमान तो सिर्फ नाम के हैं, बाकी ये सब एक जैसे हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की बात करें और उनका नज़रिया देखें, तो एक तकरीब के दौरान यही एक इसी तरह का सवाल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से एक हिंदू आदमी करता है कि वैसे तो इस्लाम भी एक खुदा का तस्वूर पेश करता है, जबकि हिंदू में भी एक ही खुदा का तस्वूर है, तो फिर ये इतना भेदभाव क्यों, यानी इतनी तफरीक क्यों हो जाती है फिर, जबकि दोनों एक ही खुदा का तस्वूर पेश करता है और एक ही खुदा पर ईमान लाने को कहता है। In the Hinduism it is also said that there is only one God, whereas the same is said in Quran also. Is it good to go with Islam or with Hinduism? तो असल में इस हिंदू के सवाल का मकसद ये था कि अब हम कौन सा मजहब फॉलो करें, इस्लाम या हिंदू, जबकि दोनों का मकसद एक ही है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपना जवाब कुरान की एक आयत से शुरू की, जिसका मफहूम यह है कि आओ और एक जैसी बातों पर एक हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह आती है कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, यानी अल्लाह की वहदानियत को पहले मानेंगे। Almighty God says, "Ta'ala ila kalimatin sawa'in bayna baynakum." Come to common terms as between us and you. So let us agree to follow what is common. The first is Allah na'budu illa Allah, that we worship none but Allah. तो नाज़रीन अगर देखा जाए तो इस हिंदू ने सवाल भी ऐसा ही किया था, यानी दोनों मज़ाहिब में एक ही खुदा की तरफ इशारा है, तो इसलिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए पहले कुरान की वो आयत सुना दी जो कि अल्लाह ताला की वहदानियत के मुतालिक है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और अल्लाह ताला के सिवा और किसी की इबादत नहीं करेंगे। अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने साथ में ये भी बता दिया कि पहले हम एक जैसी बातों को इकट्ठा करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और उसी को फॉलो करेंगे। जो एक जैसी बातें नहीं है उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम एक जैसी बातों पर तो यकजा हो जाए, क्योंकि इससे ना तो मुसलमानों को कोई तकलीफ होगी ना हिंदुओं को। जो हिंदुओं की किताब में है और जो कुरान मजीद में है, इन दोनों किताबों में जो एक जैसी बातें हैं उस पर इत्तेफाक करते हैं और उसी को मान लेते हैं। I am giving you an answer that will satisfy both the Hindu and the Muslim. The first step to do is brother follow what is common. What is different we will discuss tomorrow. So when you are following what is common in the Quran and the Hindu scriptures, neither the Hindu will feel offended, neither the Muslim will feel offended. तो ज़ाकिर नाइक ने बताया कि पहले हम इस बात को ये ले लेते हैं जो कि एक जैसी है दोनों किताबों में कि अल्लाह ताला एक है, और जैसा कि हिंदू ने खुद कहा, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि ये बात तो तुम पहले से ही जानते हो, लेकिन मुसलमान होने के लिए ज़रूरी क्या है कि अल्लाह ताला पर ईमान ले आए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अब जबकि हिंदू तो चलो ये क्लेम कर लेते हैं कि वो भी एक खुदा को मानते हैं, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर यकीन नहीं रखते कि वो पैगंबर है। तो इसलिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अब हिंदुओं की किताब से भी ये मसला हल करना चाहता है। तो कुरान मजीद में तो पहले से ही मुसलमानों को मालूम है कि हुजूर सल्लम आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, लेकिन अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हिंदुओं की किताब से भी वाजह कर देगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं के मजहबी किताबों में भी है। तो बताते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने हिंदुओं के मजहबी किताबों के कई हवाले दिए, यानी एक या दो या तीन नहीं बल्कि कई हवाले देकर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने साबित करवा दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेंगोई आपकी किताबों में भी मौजूद है, बल्कि नाम तक से मौजूद है। The Muslims agree, Prophet Muhammad, messenger of God. If you read the Hindu scriptures, there are hundreds of references I can give you. It's mentioned in Bhavishyapurana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8 about the coming of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atharvaved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14. It talks about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It's mentioned in Atharvaved, book number 20. हिम नंबर 21 वर्स नंबर 6 पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो कई हवाले दिए, लेकिन आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और हवाला दिया कि आपकी किताब कल्कि पुराण में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई हुई है, जहाँ पर यह लिखा हुआ है कि ये कल्कि अवतार यानी कल जो आएगा वो पैगम्बर ही होगा और वो आखिरी ही होगा। और साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हिंदू आदमी से कहा कि अगर आप एक अच्छे हिंदू हो और आप अपनी किताबों पर अमल करना चाहते हो, तो जैसा कि आप खुदा को एक मानते हो, तो इसी तरह आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना होगा, क्योंकि अगर आप ईमान नहीं लाते तो आप अपने ही मजहबी किताबों के खिलाफ जाओगे। So if you are a good Hindu, you should believe in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'll just give you one reference more about Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Kalki Purana. He is mentioned in कल्कि पुराण chapter number 2. अब जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने सारी बातें कर दी, तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हिंदू से कहा कि क्या आप अब बताओ, क्या आप अल्लाह पर ईमान लाते हो और हुजूर सल्लम को आखिरी रसूल मानते हो? तो वैसे तो ये हिंदू जवाब में कहता है कि हाँ, मैं ईमान लाता हूँ, यानी मैं मानता हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रसूल मानता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ शक व शुबात है, वो दूर कर ले। यानी ये हिंदू एक और सवाल पूछने के मूड में था। 100%. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, sure. 100%. Sir, I have another one small doubt. Can you may I question? Doubts will always be there. Okay then. Thank you. No, but I'm asking the question. Do you believe in these two things? Yes. तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे सवाल करने दिया। तो सवाल करते हुए ये हिंदू कहता है कि जिस तरह इस्लाम कहता है कि बुतों की पूजा करना नहीं चाहिए, यानी बुतों की पूजा मना है, तो फिर क्यों मैं देखता हूँ कि अक्सर मुसलमान लोग दरगाहों पर जाकर वहाँ पर सजदे लगाते हैं, यानी खुदा के अलावा किसी और से मांगते भी है और उनकी इबादत भी करते हैं। तब इस पर लोगों ने तो थालियाँ भी बजा दी, लेकिन साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाबन कहा कि जिस तरह तुम लोगों की किताबों में लिखा हुआ है कि बुतों की पूजा मत करो, और फिर भी लाखों करोड़ों हिंदू लोग बुतों की पूजा करते हैं, तो इसलिए मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुरान की खिलाफ वर्जी करके वो इस तरह के काम करते हैं। हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में भी है। इन इंडिया आई सी पीपल हु आर डूइंग ऑन दिस व्हाट यू कॉल दरगास, परफॉर्मिंग ऑल टाइप्स ऑफ पूजास लाइक इंडियंस Hindus, okay, yes. That means they are not following the scripture. Similarly, I agree with you. There are many Muslims in India who are not following Quran and Hadith. That is my question. That is my answer. तो जो भी कुरान के उसूलों को तोड़ेगा वो इस्लाम से बाहर होगा, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हिंदू से दोबारा सवाल किया कि अगर आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने लगे हो, तो क्या आप इस्लाम के दायरे में दाखिल होना चाहते हो? तो इस हिंदू ने भी खुशी खुशी कहा कि क्यों नहीं, प्लीज़ मुझे कलमा पढ़वाओ। तो इस पर हाल में मौजूद तमाम लोग भी खुश हुए और डॉक्टर जाकिर नाइक इस हिंदू को कलमा पढ़ाने लगे। Yeah, I do accept that there is no idol worship. And you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. So do you want to enter into the fold of Islam? Yes, please. नाज़रीन, इस हिंदू के अगर दूसरे सवाल पर गौर किया जाए तो ये एक बहुत ही अहम सवाल था, क्योंकि जाहिलियत इतनी हो चुकी है कि अक्सर मुसलमानों को ये पता ही नहीं होता कि ये कितनी बड़ी गुनाह है। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं कोई भी गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को नहीं। अब जो भी शिर्क करेगा वो इस्लाम के दायरे से बाहर होगा, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे बेसे मुसलमान हैं जो कि दरगाहों पर जाकर कब्रों से मांगते हैं, मरे हुए लोगों से मांगते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल जो के सामने आते हैं और फिर उसके जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक देते हैं, तो इससे बहुत से मुसलमानों को रहनुमाई हासिल होगी। साथ में हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से आप ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।